हेलो एवरीवन। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन जो है वो प्रफुल्ल सतीश द्वारा पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सेवन ए टी इक्वल्स टू जीरो को हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह वैल्यू बड़ा है, जब यह वैल्यू बड़ा हो जाता है ना, या फिर ए और सी का जो प्रोडक्ट होता है वो जब बड़ा हो जाता है तो क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इस तरीके के सवाल को अप्रोच करना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए ताकि आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करूँ तो ए क्या मिल जाएगा 1, बी क्या मिल जाएगा माइनस 4 और सी क्या मिल जाएगा हमें माइनस 780। ओके, यहाँ पे ए सी कितना है 1 इंटू माइनस 780, सो माइनस 780, ठीक है। बी माइनस 4 है तो हमें माइनस 4 को दो पार्ट में डिवाइड करना है b1 एंड b2 इन सच अ वे डैट b1 इंटू b2 कितना के बराबर हो, माइनस 780 के बराबर हो, ठीक है। अगर हम माइनस फोर, यहाँ पे देखिए एसी निगेटिव है तो हमें क्या करना है, ऊपर जाना है। ऊपर जाने का मतलब क्या है, हमें फोर से साइन को नेग्लेक्ट करते हुए जो भी मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड से बड़ा वैल्यूज लेकर के ब्रेक करना है। तो इसको हम लोग माइनस फाइव प्लस वन लिख सकते हैं, माइनस सिक्स प्लस टू लिख सकते हैं, माइनस सेवन प्लस थ्री लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव देगा, माइनस सिक्स इंटू टू माइनस ट्वेल्व देगा, माइनस सेवन इंटू थ्री माइनस ट्वेंटी वन देगा, जो कि माइनस 780 के कंपेरिजन में बहुत ही छोटा वैल्यूज है, बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है और यहाँ पे जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम एक एक करके ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा ये पता करने में कि 4-4 को हमें किन दो पार्ट में डिवाइड करना है ताकि दोनों का प्रोडक्ट -780 मिले। तो अब यहाँ पे हम लोग कैसे सोचेंगे, ऐसे सिचुएशन में हमें हमेशा एसी का लास्ट डिजिट देखना चाहिए। लास्ट डिजिट एसी का क्या है, एंडिंग विथ जीरो है ना। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट एंडिंग विथ जीरो है इसका मतलब दोनों में से कोई एक नंबर या तो एंडिंग विथ फाइव होगा या फिर एंडिंग विथ जीरो होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे b1 और b2 का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। मतलब अगर मैं एक नंबर एंडिंग विथ 5 ले रहा हूँ तो दूसरा नंबर एंडिंग विथ कितना होगा, 9 होगा। और 9 × 5 तो कभी भी आपको एंडिंग विथ जीरो देगा नहीं। अगर मैं एक नंबर 5 ले रहा हूँ तो दूसरा नंबर एंडिंग विथ 1 होगा, तभी डिफरेंस 4 होगा ना। और 5 × 1 भी आपको 0 नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि b1 और b2 में से कोई एक नंबर एंडिंग विथ 0 होगा, इट विल नॉट बी एंडिंग विथ 5। तो अगर एक नंबर एंडिंग विथ 0 है b1 और b2 में से, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ac जो है वो निगेटिव है, इसका मतलब हमें बड़ा वैल्यूज लेना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं -10 से। अगर मैं एक -10 लेता हूँ तो दूसरा मुझे कितना लेना पड़ेगा, +6 लेना पड़ेगा। बट -10 × 6 तो आपको -780 देगा नहीं। अगर मैं दूसरा वैल्यू -20 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, +16। सो 16 × 3 = 20, ये भी नहीं देगा। -30 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 26 आएगा। 26 × 3 कितना आएगा, 78। सो 26 × 30 कितना आएगा, 780 आएगा। इसका मतलब -4 को हमें -30 और 26 में ब्रेक करना है, करेक्ट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर -30x प्लस 26x -780 इक्वल्स टू जीरो, करेक्ट। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x इंटू एक्स माइनस 30। यहाँ पे क्या कॉमन है, 26 कॉमन है, सो 26 × x − 30 इक्वल्स टू जीरो। तो व्हाट, अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 30 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 30 ले लीजिए। यहाँ पे क्या बच रहा है, x, यहाँ पे क्या बच रहा है, 26 इक्वल्स टू जीरो। तो या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, फिर दोनों जीरो होगा, करेक्ट। तो x माइनस 30 अगर जीरो होता है तो x क्या मिलेगा, 30। और x प्लस 26 अगर जीरो होता है तो x क्या मिलेगा, -26। तो x इक्वल्स टू 30 एंड x इक्वल्स टू -26, ये इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आप आंसर यहाँ पे पुट करके और चेक कर लीजिए कि LHS = RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए जहाँ पे एसी जो है वो काफ़ी बड़ा वैल्यू हो रहा है, तो हमेशा उसका लास्ट डिजिट देखिए, या फिर बड़ा या छोटा भी है तो फिर भी आप लास्ट डिजिट चेक कर सकते हैं। और लास्ट डिजिट आपको हेल्प करेगा बी को दो पार्ट में डिवाइड करने में, मतलब बी वन और बी टू को लेने में, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।